हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे अम्बी की खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम पानी को बॉईल कर देंगे। पानी को बॉईल करने के बाद हम इसके अंदर अम्बियों को इस तरीके से कट कर थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लेंगे, 2 या 3 मिनट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बॉईल हो चुकी है, तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम छान लेंगे। अब हम एक पैन के अंदर बॉईल की हुई अम्बियों को डाल देंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे चीनी और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है, तो हम इसके अंदर अब डाल देंगे नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम डाल देंगे लाल मिर्च और उसके बाद हम डाल देंगे इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि बादाम, किशमिश या खरबूजे के बीज। इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है और वैसे भी इस मौसम में ये सब्जियों के साथ खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं कि किशमिश भी इसके अंदर पूरी फूल चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है। तो अम्बी की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।